हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सबको मेरे चैनल कृष्ण भक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। देखिए, मैं आज आपको दिखा रही हूँ, मैंने माता रानी की जो ड्रेस बनाई है, ये देखिए, मैं आपको बनाना बताती हूँ ये कैसे बनाई है मैंने। ये देखिए, ये माता रानी की सोल ऊपर की ओढ़ाने की, ठंड का मौसम है तो मैं मैया रानी को भी इस टाइम से है उनके कपड़े पहनाती हूँ। ये मैंने इनकी नीचे का लहंगा टाइप का ड्रेस बना रखी है, इस पर मोती लगा रखे हैं मैरूम और वाइट रंग में। अब मैं आप जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी येलो और मैरूम कलर की ऊन की। देखिए प्लीज़, मेरी जो माता रानी की मूर्ति है वो छोटी है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये मैंने आठ बार चैन ले लिए, तीन एक्स्ट्रा लेंगे, एक, दो, तीन। तीन को हम जो है, तीन जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे पीछे इसकी तरफ, आठ आठ तक, यहाँ तक, इसको यहाँ से लेके हमने इसमें से निकालना है। ये देखिए, इसको इस तरीके से डबल क्रोशिया करनी है, एक, दो। ये पूरी चैन हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद जो है हम लगाएंगे इसमें दूसरे रंग की ऊन, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा हाथ हमने इसी तरीके से घुमाना है। देखिए, अब इसमें मैंने जोड़ दी मैरून रंग की ऊन, अब मैं बनाऊंगी इसमें मैरून रंग की ऊन से। ये देखिए, मैरून रंग की ऊन से पहले मैं नीचे का वो बनाती हूँ, फिर चोली इसके बाद बनाऊंगी ऊपर की। पूरा हाथ इसी मैरून रंग की ऊन से। मैं आपको ये जो मैंने डिजाइन दिखाया, ये डिजाइन डाल के दिखा रही हूँ। वैसे आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, क्रोशे की ऊन में तो यही होता है कि आप मन में अच्छा जो डिजाइन लगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ इसका तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, ये ऊन को हमने इधर लेके आना है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे। अब हमने इसकी कमर की बना लिया है, अभी हम इसकी जो है गोलाई बनाएंगे, लहंगा टाइप की करने के लिए गोलाई बनाएंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक में से एक, फिर दोबारा हम इसी में से निकालेंगे दो। इसमें ये है जो फंदे जो हैं ये बढ़ जाएंगे, मतलब के। देखिए, हमने महरूम से कर लिया है, अब हम दोबारा इसमें पीली ऊन से बनाएंगे। पीला ऊन से हमने शुरू करना, तो पीली ऊन से करने के लिए हम क्या करेंगे, पीली ऊन से करने के लिए जो हमने एक में से दो बार निकाला है, अब इनको इसमें से एक एक बार करेंगे, इसमें से एक बार निकालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे अगले में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार। इस तरीके से हमने ये पूरा करना है। देखिए, ये हाथ हो गया कंप्लीट। ये देखिए, ये पूरा हो गया। अब हम इसको जो है, अब हम इसको कैसे करेंगे आपको मैं दिखाती हूँ। अब बनाएंगे हम चैन, एक, दो, तीन, तीन की चैन बना ली है, तीन, चार, चार की चैन बना के हम एक, दो छोड़ के तीसरे में डालेंगे इसको, फिर एक, दो, तीन, चार, चार की चैन बनाई है, फिर दो को छोड़ेंगे, दो गैप करके इसमें, एक, दो। देखिए, अब हम मैरून ऊन से करेंगे। ये हमारे पीले के दो हाथ हो गए हैं, पीले से हमने चैन बनाई थी, मैरून से हम इसमें डिजाइन डालेंगे। इसमें से एक, एक, दो, तीन, ये चार, एक इसमें से हमने चार बार निकालना है। ऐसे ही हम अगले में करेंगे, एक, दो, तीन, चार। इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ तक के लिए हमने पूरा कंप्लीट करना है। कितने मिनट की होगी राजा? ये देखिए, ये हो गया हमारा इस तरीके से कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने चैन बना लिए दो की, अब हम इसमें से एक एक कर एक में से निकालेंगे। इस तरीके से हमने इसको निकालना है,
ये देखिए इनमें से, अब इसमें से एक बार निकाल लिया, अब इससे अगले में से एक बार निकालेंगे। इस तरीके से हमें निकालना है, कंप्लीट करनी है। ये आप देख सकते हैं जितनी बड़ी ड्रेस आप बनाना चाहते हैं, जितनी नीची बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना ले। ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी मूर्ति जो है माता रानी की वो छोटी सी है, तो उसके हिसाब से मैंने ड्रेस बना रखी है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी मूर्ति के हिसाब से इसको जो है बढ़ाते जाएं, नीचे की गोलाई वगैरह सब उस हिसाब से करें। बड़ी मूर्ति है तो इसमें बड़े फंदे डाले, ज़्यादा फंदे डाले, मैंने तो 8 फंदों से बनाई है। आप इसमें बड़ी मूर्ति के हिसाब से उसी हिसाब से कमर नाप लें, कितने इंच की कमर है उसके हिसाब से इसमें फंदे डाल दें और चैन बनाएं, उसके हिसाब से फिर चैन बनाने के बाद इसको शुरू करें। ये देखिए पूरा मैंने इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए महरूम कंप्लीट हो गया। हम अब पीले को इसमें ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है, पीले की चैन बना के एक दो को छोड़ के इसमें से दो बार निकालना है, एक और दो। अब एक की चैन बनाएंगे, फिर इसमें से अगले में से एक दो को छोड़ के दो बार निकालेंगे, एक दो। देखिए महरूम और पीले रंग की उनमें कितनी प्यारी ड्रेस बन रही है। अब फिर से एक की चैन बनानी है, फिर दो को निकाल। ये देखिए ये हो चुकी है इस तरीके से, पूरी मतलब कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हम नीचे का इसका जो है लहर वासी पत्ती सी बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब महरूम उनसे शुरू करेंगे हम, एक दो तीन, ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसमें से हम निकालेंगे, एक दो और तीन चार बार इसको हम इसमें से निकालेंगे। अब इससे अगली वाली में एक बार करेंगे, फिर इसमें से हम इसको चार बार निकालेंगे। अभी इसके हमने नीचे का हिस्सा बनाना है। ये इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है हमने। महरूम के भी दो हाथ घुमा लिए हैं, दो चैन लेके ये जो चार किए थे इसमें से एक बीच में से दो बार निकाला है। अब हम पीले से इसको यहाँ से कंप्लीट इसको बंद करेंगे। अब पीले से हमने इसको इस तरीके से बंद करना है पत्ती बनाते हुए। देखिए तीनों में से एक बार ही निकालना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से दो तीन चार पांच बार करके इस तरीके से हमने इसको पूरे में निकालनी है। एक में से पांच बार निकालना है, तीन पांच। देखिए ये हमारे नीचे का हो चुका है तैयार, नीचे का लहंगा जो है इनका ये तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर की जो है चोली बनाएंगे। अब चोली बनाने के लिए हम जो है ऊपर से यहाँ से फंदे लेंगे इस तरीके से, फंदे उठाएंगे यहाँ पर। एक दो तीन चार पांच और ये छः सात। इस तरीके से हमने ये यहाँ पर दो हाथ घुमाने हैं, बस ऊपर जो है दो हाथ करने हैं इसके कंप्लीट। एक तो ये हो गया, एक और करना है, एक दो तीन करने, तीसरे पे हमने जो घटा देना है। ये देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, एक दो तीन हाथ हमने घुमा लिए हैं ऊपर चोली के लिए। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इनको हाफ हाफ कर देंगे, एक दो और तीन तक इसको ऐसे बनाएंगे। अब इसको हमने ऊपर ऐसी तरीके से बना लेना है, इसको डोरी के हिसाब से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। पीछे बांधने के लिए दो
बस इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर देना है। देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है इसके लिए यहाँ पर बांधने के लिए डोरी बनाएंगे, इस तरीके की डोरी बनाएंगे। डोरी जो हम बनाएंगे ये हम दो ऊन को मिला के, देखिए एक दो, एक और दो, दोनों ऊन को एक साथ मिला के इसकी डोरी बनाएंगे। सीधी सीधी हमने डोरी में लगे चैन बनाते जाना है। जितनी लंबी आपने रखनी है उस हिसाब से आप चैन, इसकी सीधी सीधी चैन बनाते जाएं। इसकी चैन बनाने के बाद जो हमने इसको इसके अंदर यहाँ पर डालनी है। ये देखिए ये हो चुकी है हमारी माता रानी की ड्रेस तैयार। अब आप देख रहे हो इसमें, इसमें आप चाहे तो यहाँ पर एक एक करके मोती भी लगा सकते हो, चाहे इसको सिंपल भी रख सकते हो। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है, पीली और महरूम रंग की ऊन की। ये देखिए कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है। ये ऊपर से हमने चोली बनाई है पीछे बांधने के लिए, और ये पीछे डोरी डाली है इसमें यहाँ से कमर पे से पीछे की साइड बांधने के लिए। ये है हमारी माता रानी की ड्रेस। अब जो मैं आपको दिखाऊंगी इस सोल जो इसके ऊपर की जो चुन्नी उड़ाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, चैन बनानी है। चैन बनाने के लिए हम जो है चैन बनाएंगे सिंपल, एक दो तीन। आप जितनी चौड़ी सोल रखना चाहते हो, बड़ी चौड़ाई में ज़्यादा रखना चाहते हो या छोटी रखना चाहते हो, आप उस हिसाब से बनाएं। मैंने तो देखिए इतनी चौड़ी बना रखी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जितनी के बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से चैन डालें। देखिए मैंने डाली है 22 की तीन। अब इसमें से आपने जो है इसको इस तरीके से पूरा लाइन को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से आपने सोल को, आप सोल में चाहे तो डिजाइन डाल ले, आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी इसको बना सकते हैं ऊपर उड़ाने के लिए। इस तरीके से हमने बस ये वाला दो, इसी तरीके से हमने सोल बनानी है। दो तरह की ऊन का डिजाइन डालना है, ये इस तरीके से हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड इस तरीके से हमने ये सोल बना ली है, ये महरूम और पीले रंग की, जैसी हमने माता रानी के ये बनाई है ड्रेस बनाई है, इस तरीके से हमने सोल बनाई है। इसमें क्या किया हमने, पीले रंग की दो हाथ पीले रंग से और दो बार महरूम रंग से, इस तरीके से हमने महरूम की 5 पट्टी डाली है और पीले की हमने 6 बनाई है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको जो है अब हम इसके चारों तरफ डिजाइन बना देंगे। पहले हम पीले से बनाएंगे, पहले महरूम से बनाएंगे, पीले के ऊपर महरूम से और महरूम के ऊपर पीले से। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से हमने पूरा एक दो तीन चार और ये 5 बार इसको ऐसे घुमा लेना है। अब हम एक की चैन बनाएंगे, अब जो है पीले से करेंगे, इस ऊन को हमने साथ लेते हुए चलना है। महरूम के ऊपर करेंगे हम पीले से, एक दो तीन चार 5 और 6 ये मैरून से। अब हम मैरून से करेंगे इस तरीके से, हम इसके जो है चारों तरफ ये डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन बनाने के बाद जो है ये पूरी सोल तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड ये बन चुकी है मेरी माता रानी की ड्रेस। ये मैंने देखिए नीचे के ड्रेस में लहंगा टाइप की ड्रेस बनाई है, ये ऊपर की ओढ़ने की इनकी चुन्नी बनाई है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ये ड्रेस कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज़रूर आगे सब्सक्राइब करें, यदि कोई मेरी देखिए फ्रेंड ये तैयार हो चुकी है मेरी माता रानी की ड्रेस। ये मैंने बना दी अपनी माता रानी की ड्रेस। बताएं प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरी माता रानी की ड्रेस कैसी लगी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यदि कोई मेरी इस चैनल पर नया है तो वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें।
ताकि मैं आगे भी मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि मैं अपने आगे की वीडियो में और नए डिजाइन लाऊं। आपकी माता रानी की ड्रेस के लिए या गोपाल जी की ड्रेस आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो भी कुछ बनाऊंगी। प्लीज़ देखिए मेरी ड्रेस कैसी लगी आप लोगों को। ये आज की थी मेरी वीडियो। देखें अगली वीडियो में मैं कोई नया डिजाइन ज़रूर लेके आऊंगी, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये मेरी माता रानी की ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें मेरी वीडियो को, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, आगे और वीडियो डाल सकूं। कमेंट करके बताएं कैसी लगी मेरी माता रानी की ड्रेस आपको। जय माता।